हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे ये CDS 2018 का 18 तारीख 18 नवंबर का पेपर का, जो कि इंग्लिश का पेपर है। तो देखते हैं इसमें सबसे, इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें, माई टीचर वाज वैकेंट है अस फॉर बिंग लेट। इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, संध्या वैकेंट है मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, रवि हैज द हैबिट ऑफ अ खाली स्थान, फिर अ हेडेक। इसी तरह से इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक चूज करके यहाँ पर भरना है। आई ऑलवेज टू गो एलोन फॉर अ राइड, बट माई मदर वैकेंट गोइंग विथ माई ब्रदर। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट्स डिफिकल्ट टू, खाली स्थान है विथ हिज क्लासमेट। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, इसमें भी चार ऑप्शन दिया हुआ होगा। फिर सिक्स क्वेश्चन इसमें देखेंगे, द विजिटिंग डिप्लोमेट वैकेंट द प्राइम मिनिस्टर। सेवंथ है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन है इसमें, वैकेंट है सिंसियर, ही वुड हैव गॉट द प्राइज। फिर एट नंबर क्वेश्चन, 10 ईयर्स, फिर वैकेंट है ठीक ना, फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नाइन, इफ आई, फिर वैकेंट यू, फिर आई, फिर वैकेंट लव टू एक्सेप्ट द ऑफर ठीक ना, इसमें ये क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माई सिस्टर आस्क्ड मी विलिंग टू गो अब्रॉड माई स्टडीज। इसमें ऑप्शन हो गया इधर, इसका 10 का ऑप्शन हो गया, इधर 5 क्वेश्चन ऑप्शन हो गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे साइनोनिम्स, साइनोनिम्स में देखेंगे आगे। नेक्स्ट इसमें जो एंड साइनोनिम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से चार में से एक ऑप्शन जो है सही है और खोजना है आप लोग को सॉल्यूशन करते समय। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हिज सोलवेरियस वर्ड क्लैम्ड द स्टूडेंट। इसमें भी 4 ऑप्शंस, इसको भी आप देखोगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर द ही लॉस्ट हिज बिजनेस। इसमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, उसे आपको ढूंढना है। उसके बाद 14 नंबर, डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। तो जो इसमें कंडोन है उसका एक साइनोनिम्स है, ये 4 ऑप्शन में से एक, उसको खोजेंगे ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड वर्क प्लेस शैल नॉट इनकरेज इन टीट्यूड इवन इन द हिडन मैनर। इसमें से आप इनएप्टीट्यूड का सैनोनिम्स ढूंढोगे इसमें ऑप्शन में। फिर इसमें नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट बी इम्पेड वंस मदर टंग लर्निंग ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्सट्रेडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ही वाज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डिटरमाइंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हिज डेरिसिव बिहेवियर हैज लेड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ ठीक ना। तो इसमें 19 क्वेश्चन हो गया,
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन इंगेजिंग इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स, ठीक ना। ये 20 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट इनमें जो क्वेश्चन है, इन दिस सेक्शन यू हैव, मतलब पैसेज है इसमें, और इस पैसेज को पढ़ के, इसमें पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इन दिस सेक्शन यू हैव फ्यू शॉर्ट पैसेज, आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। फर्स्ट रीड अ पैसेज एंड आंसर द आइटम बेस्ड ऑन इट। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले इसमें आप ये पैसेज को पढ़ लोगे, और इस पैसेज के पढ़ने के बाद मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा देता हूँ, और वहाँ से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, और एक जो है अकॉर्डिंग टू पैसेज वो सही होगा, ठीक ना। फिर इसमें देखते हैं, और एक नहीं, इसमें इस तरह से 1, 2, 4, फिर 1, 3, 4 एंड 1 एंड 4 ओनली, तो इस तरह के क्वेश्चन है इसको। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। ये यहाँ से आप 22 पढ़ सकते हैं, और इसको फिर क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है आंसर ढूंढ सकते हैं। 23, फिर 23 नंबर क्वेश्चन, इसको भी पढ़ सकते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ईयरलियर, ईयरलियर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। फिर ईटिंग टर्मरिक, ठीक है, क्या इसमें रिलेटेड है, ठीक ना। तो विल रिड्यूस द चेंज ऑफ गेटिंग, ठीक ना। फिर इसमें 25 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, वैकेंट है। फिर यहाँ से आप भरने की कोशिश कर सकते हो, एक इसमें क्या भराएगा जो इस पैसेज में दिए हुए से सही हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आफ्टर ऑल पैसेज टू जो 26 के लिए होना चाहिए, यहाँ भी एक पैसेज है, और इस पैसेज को बहुत ही केयरफुली आप पढ़ोगे, और इसे पढ़ने के बाद ही ये नीचे का दिया हुआ कुछ क्वेश्चंस हैं उसे कहेंगे करेंगे, ठीक ना। तो ये आप क्वेश्चन देख लो, 26 नंबर है। द स्टोरी यूज आयरनी एज अ टेक्निक बिकॉज, ठीक ना। तो एक इसमें चार में से एक है जो वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। द वोमेन रिटर्न द लेटर टू द पोस्टमैन हाउ बिकॉज, तो बिकॉज वुमेन ने क्यों लेटर को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, चार ऑप्शन है, यहाँ से चार ऑप्शन आप कर सकते हो। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आप देखोगे मिस्टर हिल पेड द पोस्ट बिकॉज, ठीक ना। तो मिस्टर हिल जो पेड किए थे, क्यों पेड किए थे, तो यहाँ चार ऑप्शन है, एक यहाँ से खोज सकते हो। उसके बाद 29, द इनवेलप कंटेन, इनवेलप में क्या था, ठीक ना, तो वो भी कर सकते हो। द वुमेन एंड हर ब्रदर हैड एग्रीड डैट, वोमेन और उसके ब्रदर किस लिए एग्रीड थे, ठीक ना। तो इसको भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में भी एक पैसेज है, और इस पैसेज के पढ़ने के बाद आप फिर इसको कर सकते हो, ठीक है। पैसेज एक बार देख लो, आप लोग पॉज करके देख लेना पैसेज को, क्योंकि ये सारा जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है इंग्लिश का CDS का पेपर है, जो 18 नवंबर 2018 को हुआ था, ठीक ना। और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग ये जान पाओगे कि किस तरह का क्वेश्चंस जो है CDS में पूछे जाते हैं। फिर 31 नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन, इफ़ वी आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवार्ड अस, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, द स्टेटमेंट डॉग विल बार्क मोर लाउडली एंड बाइट, ठीक है, मोर इजली व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। तो देन व्हेन दे थ्रेट हिम विद कंटेम्प्ट इम्प्लाई डेट, और यहाँ से फिर ये कर सकते हो। ये 33 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर कंप्रेस सिस मैन विथ डॉग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ चार ऑप्शन। इसको अब बहुत ही केयरफुली इस पैसेज को पढ़ा, फिर इसको बनाने की कोशिश कर रहे, ठीक है। और उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, शुरू में ही
वैकेंट दिया हुआ है, ठीक है, और यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग मीन्स, मतलब यहाँ पे यू हैव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग का मतलब क्या होता है? ये चार ऑप्शन है एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। आइडम्स हो गया, आइडम्स एंड फ्रेजेज जो होता है उस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसको फोर नंबर पैसेज, पैसेज चार, मतलब अभी एक दो तीन चार पैसेज आ चुके हैं इसमें, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक ना। चार पैसेजेज, ये पैसेज को आप लोग रीड कर लोगे एक बार बहुत बढ़िया से, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 35 दिखाने का कोशिश करेंगे, ओके। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसानी से देख सकते हो। द ऑथर कॉल आवर एज क्यूरियस बिकॉज, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चार ऑप्शन हैं ये देख सकते हैं। उसके बाद 36 नंबर, इट इज डेप्लोरेबल टू विटनेस मॉब अटैक ऑन द एम्बेसिस फॉलोइंग क्लैश ऑफ द पॉलिसीज ऑफ टू ऑफिशियल पॉलिसी मार्कर बिकाउच। तो 36 नंबर क्वेश्चन ये देख लो, ऑप्शन इसका दो यहाँ दिया हुआ है और तो ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखने के बाद 37 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, तो वन एस्पेक्ट ऑफ द मॉब इन डल्डिंग इन वायलेंस एंड एरोसन इच डेट दे, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन 38 का आप देख लो क्वेश्चन। और इन द पैसेज द वर्ड डिमोलिशन हैज द मीनिंग एच वर्ड, तो यहाँ बोल रहा है डिमोलिश, डेमोलिशन का मतलब क्या होता है? डेमोलिशन, डेमोलिशन का मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो, ओके। तो ये आप, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैसेजेज के हो गए हैं और साइनोनिम्स के क्वेश्चन हो गए हैं। अब स्पॉटिंग एरर, मतलब इसमें एरर कहाँ है, ठीक है। एक सेंटेंस आपको यहाँ दिया जाएगा और इसमें पढ़ना बताओगे कि एरर कहाँ है, ठीक है। पहले डायरेक्शन पढ़ देना, इच ऑफ इच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विथ थ्री अंडरलाइनिंग पार्ट लेवल्ड, ए बी सी, ठीक ना, और ए बी एंड सी, ठीक है। और फिर इसमें रीड इच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन द अंडरलाइनिंग पार्ट एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर डेट इज ए बी सी। इस तरह से यहाँ दिया हुआ, इफ़ यू फाइंड नो एरर योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेट एज डी, मतलब जितने भी इसमें डी ऑप्शन है वो नो एरर है और ए बी सी आपको देखना है ध्यान से। अगर आपको पता लगे कि इसमें नो एरर है तो आप आराम से डी का, डी को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो 39 नंबर आप यहाँ पहले देख लो, उसके बाद फिर 40 में जाएंगे। द लेटर हैज बिन रिटन आई इंसिस्ट, फिर ये एक आया, द लेटर हैज बिन इन रिटन, ठीक है। आई इंसिस्ट ऑन इट बींग बिंग सेंट वन एट वंस, फिर नो एरर है, ऐसा ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। और कौन क्या है बता पाओगे आप? आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर। उसके बाद बी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे है, बोथ ऑफ देम कीप क्वारलिंग ऑल द टाइम। सी नंबर जो है, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग विथ वन अनदर। और डी नंबर है नो एरर, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक आप कर लिए, फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्पॉटिंग एरर इज 41 सेरली वांट्स टू नो बी वेदर यू आर गोइंग टू सी टू दिल्ली टुडे नाइट, डी नो एरर। यू विल हैव टू सर्च द एरर ऑफ द सेंटेंस, इफ यू हैव नो एरर then you have to pick the option number 9, and after 41 you will have to search for 42. 42 questions are given below, that is 42 question, 43 question, 44, yes, then you will have to discuss about next question. All questions are given below of a spotting error. You will have to spot the error in the sentence 44, 45, 46, 47. You have spotted no error in the sentence. You will have to tick about no error. It means option D. The next question we'll have to discuss. Yes, 47, 48. Then we'll have to
discuss about the 49th number questions. This question in the sentence are given below close comprehension. Question number 14, there are four options in this comprehension. Close comprehension A, B, C, D. You will have to fill in the blanks suitable word which is given in this option. Okay, then 50, 51, 52, 53, 54, 55. Yes, all questions are of same time. There is an option you will have to put in this blanks. Okay, we'll have to see the next questions. 56 number questions, close comprehension 2 hai, or 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 are of same types, and put the suitable word in the given sentence right now. 62, 67, 68, yes, we'll have to 63 right now. Okay, next question 64, which is Adamson phrases, and what is the meaning of on the fly? On the fly means the given options. One of the given question is suitable for this answer, then you will have to take the correct answer. Okay, 65 follow suit, 66 close save. What do you mean by close save in Adamson phrases? Okay, 67 number question, at the crossroad appears of wisdom. The given option, which of the given option is correct? The next question, order of the sentence, ordering of words in a given sentence. The ordering of words in a given sentence is also very easy for the student which had completed the syllabus of English for CDS 2 examination. So there are four options PQRS, and you will have to jumbled in correct order. Right now, we have 69 number question, have become integral to most people's live debate for years, as the devices have drawn intense interest and safety questions about cell phones. Okay, which of the following is correct option in a given order? S, P, Q, R. I think this is correct option. Right now we'll have to discuss about the next question 69 and next 70. All questions are of same time. All questions are of same time, PQRS. You'll have to correct the order of the sentence. 71, 72. Yes, correct. Next, 71, 72. Just said the partition, particle object. Yes, given option, you'll have to choose the correct option. 73. It is in the context that and the prosperity must be viewed the role of the agriculture as a provider of the job. Yes, see the option and you'll have to correct the option right now. Okay, next question we have to discuss. 74 number question, you'll have to choose the correct option and correct the jumbled sentence. Yes, 75 number question, same type, 76, 77, and now next question we'll have to see. Right now you'll have to discuss about 78 number question. 78 number question are same time, given four options, we'll have to correct the sentence in a given order. Yes, right now 79 question, 78, 79, 80, 81. Yes, the student which will have to appear in the CDS examination, they will have to
See this test question right now. Attitude number question. The government and job market must offer the convincing the solution to the crisis in the rural economy that are causing the social ferment. Yes. 83 number question. The best part of liberty flourishes and the locate the story with the larger framework of our world. Yes. And given options will be have to correct. Right now, 84 number question. Children that grow into beautiful tree of a warm home and supportive surroundings are like the tender sampling with the sunshine and rain. Yes. 85 number question. We'll have to see. We with real life experience tends to learn with interest when we see the beauty in our world. The sentence was hidden. It is world and the connect learning. Yes, right now we'll have to see next question. 86 number question. Elementary education in ensuring the growth of the nation is invertible in developing the children to further education thereby. Next, 87 national building organization besides conducting survey on the housing and the given or which option is correct, you will have to see. Yes, 88 number question. Himalayan range scared or yes, right now 88 number question, you have to correct. You will see the 91 number question. S1 and S6 are first and last part of the sentence respectively, and PQRS would be separate in the between of the sentence, and that a jumbled sentence, and you will have to arrange the sentence in correct order. Yes. Then 92 number question. 92 number S1 are given at the first of the sentence. PQRS of the sentence are given here. PQRS given here, and S6 are the last of the sentence, and you will have to arrange the middle of the sentence. PQRS, RSPQ are given the sentence, or the option will help you to correct the sentence right now. Okay, and we will have to discuss about the 93 number questions. 93 number of the questions are the given will S1 and S6 are the first and last of the sentence, and PQRS of the middle of the sentence, and this PQRS the middle of the sentence, and it will help. Arrange the middle of the sentence correct order, and option will help you. You can take the help of this option to correct the sentence. Arrange this sentence in this given option. If you see the answer is arranged in the correct order, then you will take the option number A, B, C and D right now. Okay, next question we will have to discuss. 94 number question. S1 and S6 first and last of the sentence, part of the first of last sentence. PQRS the middle part of the sentence, you will have to correct. Yes. 95 S1 measurement is an important concept of the performing the management. Yes. And S6, where is S6? S6 is here. Here is S6. S6. Okay. So it is more difficult to a case of the knowledge of the worker, for the example, the scientist and teacher. So then PQRS is given on the option, and you will have to correct the with the help of option. You will have to correct the answer with the help of option PQRS. Then we'll have to discuss about the next question. Question number 96. Right now, S1 equality theory are concerned with the precision following have the how they are being treated compared with others. And S6, this examples only set of the process of the motivation and job satisfaction, although it may be significant in term of morale right now. Okay, or options are given below.
You'll have to correct. And jumbled sentences are in the middle of the sentence, PQRS. You'll have to correct the answer. See the 97 number question. Only then you will correct the answer. Yes. And 98 number question. S1 and S2. S6 and PQR is the middle of the sentence. S1, S6 are the first and the last of the sentence respectively. And given options, you will have to correct. Next, we will have to discuss about the antonyms. Antonyms, what is antonyms? Antonyms means the opposite of the sentence. Opposite of the sentence. So then you will have to discuss about the opposite of the sentence. Okay, then first word is obscure. Meaning of obscure, you'll have to know. At first you'll have to know meaning of the obscure. Only then you will have to correct the answer. What is the opposite of obscure? Okay, you will search. Then sanguine, then you'll have to correct the option right now. Okay, then same type of question. 100 101, baboon. 102, yes. 103, 104, 105, same type of question. 106, 107, 108, 109, yes. We'll have to see now what is the opposite of the sentence, antonyms of the sentence. Okay, right now we'll have to discuss about the 100 question number 110. See the statement of the sentence. Here is the direction. Yes, each item in the section has a direct statement followed by the reported form. Okay, or in indirect speech. Okay, select the correct statement in indirect speech and mark it in the answer sheet accordingly. Okay, right now. So then I think you will see the question and understand the direction of this question, reported speech. Okay, then you will see and tick the option. Okay, right now. Then this is question number 110, 100, question number 111, and question number 112. Option number A is given below the 112, and B, C, D are also given for the next part of the sentence. Okay, 113 page, question number 113 given, and you will have to search the question of answer of this question. Okay, right now we'll have to discuss the next question. As you see, the question number 14 and 15. Okay, there is some error in this question which is cut. Sorry for the inconvenience. I will do something better about this question. And next question is directed in a passive voice. Okay, at first you will have to know about the passive voice. What is passive voice? Only then you will correct this. Okay, active voice, passive voice, then you will have to correct what is the passive voice. That there is an example. I eat mango. This is active voice. Okay, so what is passive voice? So passive voice is a mango is what? Eaten by me. Okay, no? A mango is eaten by me. Okay, then these types of sentences I apply this form. Yes, and it is very simple to correct this examination. Okay, or the age limit is less than 24 year and 18 plus. Okay, then only then they will apply for this form. And
This is first it is held examination at 18 November, and this is CDS 2 and CDS 1 examination. For CDS 1 examination, this is held in February 3rd. Okay, after this CDS examination, the SSB SSB you will have to call for SSB, and SSB decide the which candidate will be qualifies this examination. SSB means Service Selection Board. What? Service Selection Board. Okay, then next I will come for with the GS or math question. Okay, bye. Thank you.